Okay, good morning class. I am here again. I am Hari Krishna, your biology educator, and today we will continue the topic from the previous class. As you had came across today, and we had started the chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. So let's discuss about that chapter. So जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, और हिंदी में बात करें तो पुष्पीय पादपों में प्रजनन में जनन इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बारे में हमने बात करा, यानी पिछले दिन के टॉपिक्स जो हमने लिखे थे, हमने बात करा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, पुष्प की संरचना, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक बार फिर इसका जो आधा बचा है उसको आगे पढ़ेंगे, और फिर हमको पढ़ना था इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक को, हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लावर अर्थात पुष्प के प्रकार, तो पुष्प के प्रकार हमने जाना कि पुष्प क्या है। इसमें हमने जान लिया था कि पुष्प एक रूपांतरित तना है जो लैंगिक प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है, और इसके अंदर हमने चार अंगों के बारे में भी बात किया था, तो हम अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में प्रजनन तंत्र के आधार से, कई आधार से, हमने चार आधार बांटे थे। आज हम उस चार आधार में जो अंतिम आधार था, अर्थात जो प्रजनन अंग है उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द फ्लावर, उसके आधार से हमने पुष्प को दो वर्गों में बांटा था। पहला था कंप्लीट फ्लावर और जिसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, इनको बांटा, और दूसरा हमने बांटा इनकम्प्लीट फ्लावर, अर्थात अपूर्ण पुष्प। तो जो पूर्ण पुष्प है, पूर्ण पुष्प को हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं। हमने बात किया था हाइपोगाइनस, दूसरा इपीगाइनस, और तीसरा पेरीगाइनस। यह तीनों के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हमें आज पढ़ना है इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में, जो पांच प्रकार के होते हैं, फाइव टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मीन्स अर्थात नर पुष्प। नर पुष्प मीन्स मेल फ्लावर, मीन्स इसके अंदर क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कि फ्लावर के अंदर फोर ऑर्गन्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें होगा कार्पेल इज एब्सेंट, मीन्स इसके अंदर मादा जननांग जो पुष्प के हैं वह उसमें अब उपस्थित नहीं होंगे। तो ऐसे पुष्प को हम नर पुष्प कहते हैं, और जो नर पुष्प है, जैसे उदाहरण पपीता में आप देखते हैं, और जितने कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने सदस्य, मतलब लत्तर वाले जितने पौधे हैं, जैसे कद्दू, कुमड़ा,
करेला कि उसमें जो होता है इसमें जो पुष्प जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नर और मादा पुष्प अलग होते हैं। तो कुकुरबिट्स भी इसके सदस्य हैं। दूसरा है पिस्टिले। आप जानते हैं जो फीमेल ऑर्गन को पिस्टिल भी कहा जाता है, तो ऐसे पिस्टिले फ्लावर मीन्स मादा पुष्प। तो मादा पुष्प मीन्स फिमल फ्लावर को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सभी प्राय दल दलकुंज और कुमांग इसमें नहीं होगा और इसमें जयांग होगा। तो कुमांग मीन्स स्टेमन आर एब्सेंट, मीन्स इसके अंदर क्या है नर जननांग अनुपस्थित होता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण भी पपीता कुकुरबिट्स आदि है। तीसरा है यदि ये दोनों अंग अनुपस्थित हो, न्यूटर, इन तीनों तरह के इसमें पांच प्रकार के पुष्प हैं, वो सभी प्रकार के पुष्प एक साधारण पौधा है पेड़ है जिसके अंदर जाते हैं आम। तो आम आम के अंदर या सभी पौधा पुष्प इस सभी प्रकार का पुष्प पाया जाता है। तो न्यूटर में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, मीन्स यदि नर अंग और मादा जननांग अर्थात जयांग और कुमांग दोनों ही यदि किसी पुष्प से उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को हम न्यूटर कहते हैं। समझ गए। चौथा है मोनो क्लामाइडी। हम पहले से जानते हैं क्लामाइडी किसे कहते हैं, तो जो सेपल और पेटल्स होते हैं इन्हें सम्मिलित रूप से क्लामाइडी कहा जाता है। तो मोनोक्लामाइडी का अर्थ है आइदर आइदर सेपल और पेटल इज एब्सेंट। यदि ऐसा कोई पुष्प हो जिसके अंदर या तो दोनों में से या तो इसमें प्राय दल या दलकुंज में से कोई एक अर्थात सेपल या पेटल दोनों में से कोई एक यदि अपसेट हो तो ऐसे पुष्प को मोनोक्लामाइडी कहा जाता है। और जो पांचवा पुष्प है आप देख लीजिए, यहां लिख दिए देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। पांचवा जो है वह है एक्लामाइडी। एक्लामाइडी मीन्स ऐसा पुष्प जिसके अंदर बोथ सेपल एंड पेटल्स आर एब्सेंट, मीन्स इसके अंदर से दोनों ही ब्राह्य दल और दलपुंज दोनों ही अनुपस्थित हो तो ऐसे पुष्पों को एक्लामाइडी या इसे नेकेड नेकेड नग्न भी कहा जाता है। अर्थात नग्न किसे कहते हैं, जिसके जननांग दिख रहे हैं। तो जननांग इसके अंदर क्या है, एक पुष्प के अंदर जननांग क्या है, नर जननांग है स्टेमन और मादा जननांग है पिस्टिल्स या कार्पेल। तो यदि नर और मादा जननांग पुष्प के दिख रहे हो और उनको ढकने वाले कौन है, सेपल और पेटल्स जो उनको ढकते हैं, यदि वे नहीं हो तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाता है, नग्न पुष्प कहा जाता है। तो क्लियर है यहाँ पे ये पुष्प के प्रकार के बारे में आप समझ गए। अब हम बात करेंगे इसके आगे जो पुष्प के चारों अंग है उन, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, हम पहले जान लें एक चित्र बना लें इसका, पुष्प का डायग्राम बना के हम देखें।
देखिए, जैसा कि हमको पता है और हम पहले से जान चुके हैं आप ध्यान से देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को बनाना बहुत आसान है, लेकिन मेडिकल में भी और बोर्ड के परीक्षा में दोनों में ही इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको देखने की जरूरत है कि किस तरह से बनाया जाता है। यह एक कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो यह जो है ये इसके इसका जो मॉडिफाइड स्टेम है जिसके ऊपर पेडिसल है, इसके ऊपर ये लगा होता है। उसके बाद यह है सेपल, और यदि यहीं पे यदि एक हरा भाग होता है जिसे ब्रैक्स कहते हैं, यदि हो तो ब्रैक है। यह है पेटल्स, यह है स्टेमन, यह है स्टिग्मा, या जो इतना से इतना सॉफ्ट है इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, और यह जो नीचे का जो भाग है उभरा हुआ यह है ओवरी, और यह जो बीच में ओवरी के अंदर होता है यह है ओव्यूल, और इसी के अंदर एक एग होता है जो कि एग सेल। तो यह एक कंप्लीट फ्लावर का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो कितने हैं? फोर पार्ट्स हैं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्राह्य दल। कैलिक्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेपल्स है। अब हम सेपल्स की बात करें, सेपल्स कैसे होते हैं? सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। किस रंग में होते हैं? हरे रंग के होते हैं आमतौर। यदि आप गुड़हल का फूल आपको याद हो, हिबिस्कस का, तो उसके अंदर आप देखते हैं जो सबसे घंटी जैसी जो संरचना हरे रंग की होती है वो सेपल्स होते हैं। ये यूजुअली कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग फ्लावर बड। मीन्स जब यह बर्ड अवस्था में होता है तो यह फ्लावर को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पर इसकी संख्या को कितनी होती है? इट मे बी 5 और मोर इन नंबर। इसकी संख्या 5 या 5 से अधिक होती है। और या जो होते हैं ये दो प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, मतलब या आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और अलग अलग भी होते हैं। तो इस आधार ऑन दिस बेसिस तो ये दो प्रकार के हो गए। कौन हो गए? एक हो गया पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस मीन्स सेपल्स आर फ्री, मतलब ऐसे पुष्प जिसके अंदर सेपल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। इन्हें हम लोग पॉलीसेपल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल रोज, आप गुलाब में देखेंगे कि गुलाब में जो हरा हरा भाग है वह कैसा होता है? वो फ्री होता है। इस कंडीशन को पॉलीसेपल्स कहते हैं। और दूसरा है यदि ये जुड़े हो तो इसको कहते हैं गैमोसेपल्स, GAMOSEPALS। गैमोसेपल्स मीन्स सेपल्स आर यूनाइटेड मीन्स यह आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? जैसे हिबिस्कस में, हिबिस्कस रोजा साइगेंसिस में आप देखेंगे जैसे गुड़हल में वो घंटी के जैसे बना होता है। आपको याद होगा गुड़हल के फूल के अंदर किस तरह की संरचना होती है, और ये हरे रंग के होते हैं। इनको जब आप अलग करेंगे तो इस तरह की संरचना होती है, और यह जो हरी वाली भाग होती है ये क्या है? सेपल्स है। तो पहला हो गया हमारा कैलिक्स, ब्राह्य दल, जो कि एक ग्रुप है, एक होल है, किसका?
बात करेंगे किसकी, पेटल्स की। यहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर टू कोरोला। कोरोला क्या है? कोरोला हिंदी में कोरोला को दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज किससे बना है? ये क्या है? इट इज द बंच और ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो ये क्या है? ये ग्रुप है पेटल्स का, पंखुड़ियों का, जिन्हें हिंदी में पंखुड़ियां कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? यूजुअली दे आर ब्राइटली कलर, मीन्स आमतौर पर ये कैसे होता है? चमकीले रंग होता है, रंग बिरंगे होते हैं। पंखुड़िया में पंखुड़िया होती है, जैसे गुलाब कई कलर के होते हैं, रंग होते हैं। इनका काम क्या होता है? इट यूजुअली एक्ट्स एज व्हाट? अट्रैक्टिंग टू द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। अर्थात जब परागण की क्रिया होती है, आपको पता है कि परागण की क्रिया क्या है? स्टाइल से स्टिग्मा, मतलब जो सॉरी स्टेमन टू स्टिग्मा, जो परागकण जो जाते हैं यहां से यहां, जो परागकण जा रहे हैं, इन परागकण को ले जाने के लिए हमें वाहकों की, जो पौधे होते हैं उनको वाहकों की आवश्यकता होती है। तो जो वाहक होते हैं वो दोनों निर्जीव भी हो सकते हैं, सजीव भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो निर्जीव में जल और वायु है, और सजीव में जो है इंसेक्ट्स अधिकांश होते हैं, कीट कीट होते हैं। तो कीट क्या करते हैं? कीट को यह अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स को यह अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये कीट या बर्ड्स आते हैं तो उनके पैरों में क्या होता है कि ये चिपक जाते हैं, क्या? पोलन ग्रेन। और फिर ये पोलन ग्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये तभी संभव हो पाता है जब वहां पर वैसे पुष्प में कोरोला वहां प्रेजेंट होता है। तो कोरोला उनको क्या करता है? उनको अट्रैक्शन की तरह कार्य करता है। इनकी संख्या कितनी होती है? या भी यूजुअली दे आर फाइव और मोर इन नंबर, मतलब इनकी संख्या पांच या पांच से अधिक होती है। एंड they are either free or united, अर्थात ये क्या है? या तो ये free होते हैं या united होते हैं, जुड़े होते हैं। इस आधार पर, on this basis, इस आधार पर पुष्प जो है, आपको याद होगा इन सब आधार के ऊपर भी पुष्प को हमने पढ़ा है, आप चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जहां पर आप बहुत तरह के पुष्प के बारे में पढ़े थे। वहां लगभग 39-39 प्रकार के पुष्प के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, उसमें ये सब पुष्प भी शामिल थे। लेकिन यहाँ पर इनको इसलिए पढ़ना है क्योंकि यह प्रजनन के साथ सहायक है। तो इस आधार पर, मतलब कि यदि जो जो पेटल्स है वो यदि फ्री या यूनाइटेड है, तो इसके आधार पर इनको हम दो मुख्य वर्ग में बांटते हैं। पहला है पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस अर्थात पेटल्स फ्री होते हैं। जैसे एग्जांपल आप जानते हैं हिबिस्कस, और दूसरा क्या होगा? पॉली सॉरी
दूसरा होगा गैमोपेटलस, ये क्या होता है गैमोपेटलस, पेटल्स आर यूनाइटेड। तो ये कैसे होता है, पेटल्स किसमें यूनाइटेड होते हैं, ऐसा यदि आप देखें तो आप जो मिराबिलिस जलप्पा है, लंकेश्वरी जिसे कहा जाता है, जिसके ऊपर मेंडल ने भी काम किया था और भी आगे के वैज्ञानिक मॉर्गन आदि ने काम किया था, वो क्या था तो उसको देखें, वह था मिराबिलिस, मिराबिलिस जलप्पा। मिराबिलिस जलप्पा में आप देखते हैं कि वो घंटी की नुमा उसकी आकृति बनी होती है और वो कई कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, तो ये उनमें कलर के हिसाब से वो कई प्रकार के होते हैं। एक और बात यहाँ पर जानना है, जब हम सेपल और पेटल्स को पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात जाननी होती है, कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें दलपुंड और ब्राह्य दल के बीच में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात क्या है कि आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो जब आप उनको अलग नहीं कर सकते, मींस दोनों या तो दोनों ग्रीन हो जाते हैं या दोनों ब्राइटली कलर्ड होते हैं, सेपल पेटल दोनों ही, तो वैसी स्थिति में उनको पहचान पाना संभव नहीं होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो होता है कंडीशन, उसे जैसे उदाहरण के लिए लीली, लीली में क्या होता है, सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो जब ये अलग नहीं होते तो उस स्थिति में इन्हें हम लोग एक साथ, तो उनके लिए टर्म है टैपल्स, उन्हें क्या कहते हैं टैपल्स, और इनका जो बंच होता है, बंच ऑफ टैपल्स को पेरियंट कहा जाता है, पैटल सॉरी पेरियंट, उसे हम लोग पेरियन कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, और यह किसमें होता है, लीली में होता है, यह भी याद रखना है कि ऐसे पौधे के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन की, अब हम बात करेंगे नंबर फोर, नंबर थ्री हम बात करेंगे एंड्रूसियम। एंड्रूसियम ये क्या है, इसको हम लोग कुमांग हिंदी में कहते हैं, कुमांग ये कैसे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये किस चीज से बने हैं, मेड अप ऑफ मेनी स्टेमन से बने होते हैं, अर्थात स्टेमन का जो बंच होता है उसको हम लोग एंड्रूसियम कहते हैं। ये कैसा और अंग है, या इसेंशियल इसेंशियल सेक्स ऑर्गन है, इसका फ्लावर के अंदर फोटो में आप देखें ये कैसा दिखता है, इस तरह से यह फ्लावर से लगा होता है, या इसका लंबा जो साफ है, इस साफ को हम लोग फिलामेंट्स कहते हैं, और इस वाले उभरे हुए भाग को हम स्टेम का ये भाग है, ये पूरा स्टेम कहलाता है, और इसके अंदर इसको यदि हम देखें तो यह जो संरचना है, इसको यदि हम काट कर इसका अनुप्रस्थ काट देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन,
ट्रांस सेक्शन मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो इसको अनुप्रस्थ काट यदि हम देखें, ट्रांस सेक्शन देखें, तो इसके अंदर हमको या इस तरह से कुछ कुछ हमको संरचना दिखती है। इसके बीच में टैप्टम, टैप्टम नामक एक झिल्ली होती है जिसके साथ पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं। तो यह इसकी संरचना होती है और यही सूखने के बाद जब प्रस्फुटन होता है इसमें, जब डिविजन ऑफ एंथर होता है, तो एंथर से यह बाहर, यह पूरी संरचना क्या कहलाती है, एंथर कहलाती है। और यह भी यहाँ एंथर है और एंथर के फटने के बाद पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। यह भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से एंथर में प्रस्फुटन या इसका डिविजन होता है ताकि यह पोलन ग्रेन को पर्यावरण में रिलीज कर सके। तो यह इस तरह का है। अब इसका जो व्यवस्था है वो कितने तरह की हो सकती है, इसके अंदर हम बात करें, आमतौर पर इसकी संख्या जो होती है बहुत होती है। मान लीजिए इसकी संख्या आमतौर पर जो स्टैमन होती है, स्टैमन्स आर 10 और मोर इन नंबर्स, इसकी संख्या 10 या 10 से अधिक होती है, उससे कम भी होती है लेकिन यह अधिकांश उसको होती है, इसलिए ऐसा हमने नाम लिखा कि इसके बाद लिखा 10 या 10 से अधिक होती है। तो या जो इसकी संख्या 10 से अधिक होती है तो यह जुड़े भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। और उनका यदि जैसे जब मोनाडेल्फस, यदि एक कंडीशन यदि होता है तो यह पॉली पॉली भी होता है और सिंग भी होता है, मींस जुड़ा हुआ भी होता है, सिंग और सिंग मतलब जुड़ा हुआ और पॉली मींस फ्री मतलब स्वतंत्र, जुड़ा नहीं होता। यदि यह जुड़ा हुआ होता है तब यह यदि एक एक गुच्छे में तो उसको कहते हैं मोनाडेल्फस, मोनाडेल्फस कंडीशन। यदि दो में हो तो डाइडेल्फस और इससे अधिक हो तो पॉलीडेल्फस भी कहते हैं। ऐसा कंडीशन इसके अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से आज बहुत थोड़े थोड़े में हम लोगों को पढ़ना है चीजों को, ताकि हम सब चीजों को बहुत आसानी से समझ सकें। आज यहाँ पर इसी जगह पर हम अपने क्लास को विराम देते हैं। इसके बाद हम अगले दिन कल हमारा जो है, कल हम पढ़ेंगे गाइनोसियम, गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं जयांग और मादा जननांग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो कि इसका ओव्यूल है और ओव्यूल का संरचना पूरा पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सेवन सेल, सेवन न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज हम देखेंगे, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज हम देखेंगे कि इस तरह से यह अवस्था कैसे बनती है। तो आज के लिए इतना ही, आप अपने घर पर बने रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।